प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर फिर से सरकार को घेरा और पिछड़ी जाति के छात्रों को एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी ने लक्ष्मी टॉकीज चौराहे पर सभा की। इस दौरान राहुल ने एक छात्र को अपने पास बुलाया और पूछा कि आरओ एआरओ की परीक्षा में क्या हुआ, तो छात्र ने राहुल गांधी को बताया कि परीक्षा से पहले ही हम लोगों के पास व्हाट्सएप ऐप पर प्रश्न पत्र आ गया था। सभा में राहुल ने छात्र की पूरी बात सुनी और सभी युवाओं को बताया कि ये सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है, इसलिए आपके पास एक हथियार है जिसका नाम जाति जनगणना है, जब ये होगी तभी आपको न्याय मिलेगा। राहुल ने इस मौके पर फिर से अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को अयोध्या बुलाने पर तंज कसा। अच्छा, यहाँ पे शांत हो जाएं, एक सेकंड शांत हो जाएं तो मैं बोल पाऊं, माइक इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है, आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार, थैंक यू सर। कैसे हो? अच्छे सर, अच्छे। ठीक है, ठीक है। आप कितने समय से, कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउड है सर, सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं, आरओ एआरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है जी सर, और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है सर, मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर, 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150-150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली, और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर, सब ने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है, और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। आपने आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर, मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर, कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। अब बताइए 130 में 110 क्वेश्चन करके आए फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जाते आते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। अच्छा, अब अच्छी तरह सुनो, देश में अब अच्छी तरह सुनो, देश में ओबीसी वर्ग कितना है? देश में सर ओबीसी वर्ग लगभग सर 70-60% है। दलित वर्ग कितना है? दलित वर्ग भी सर 60% है लगभग। 60% जी सर। नहीं, ओबीसी वर्ग 50% है जी सर, दलित वर्ग 15% है, आदिवासी वर्ग 8% है, कितना हुआ? सर पूरा हो गया 73% सर। 73% दलित आदिवासी पिछड़े, ठीक है। अब मजे की बात सुनो, पाल जी सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो जी सर, और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है जी सर, ये सच्चाई है। मैं आंकड़े आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आपकी आबादी 73% है, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में, 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी दलित आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। मैनेजमेंट टीम में एक आपका आदमी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर की मैंने लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोग आपके हैं, 3 दलित है, 1 आदिवासी है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%, मीडिया में आपका एक आदमी नहीं है।
कचहरियों में, कोर्ट्स में 650 में से आपके 100 है, तो आप लोग इसको चलाते हो, आप अपना और आपका यहाँ कुछ नहीं है। आपको भड़काया जा रहा है, आपको अंधा किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा? देखा? एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% का हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73 73% की आबादी कहीं दिखती नहीं है। आप लोग पता है कहां हो? दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं ना, उन लोगों की लिस्ट निकालो, वहां आपके नाम मिलेंगे। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है, अदानी जी की कौन सी जात है? ओबीसी अदानी, दलित अदानी, आदिवासी अदानी? आप देखो हिंदुस्तान के किसानों की लिस्ट निकालो, किसानों का ये कभी कर्ज माफ नहीं करते। और ये 10-15 उद्योगपतियों का इन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप पढ़ाई के लिए बैंक लोन जाके मांगो, हिंदुस्तान का ओबीसी दलित आदिवासी पढ़ाई के लिए बैंक लोन मांगे, जूता मार के बाहर कर देंगे आपको। और अंबानी अदानी लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन मांगते एक सेकंड में उनको दिया जाता है। तो इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द डाल दिया है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। यहां संगम की पवित्र धरती में आप पर अत्याचार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। लक्ष्मी टाकी चौराहे से राहुल गांधी की यात्रा तेलियरगंज चौराहे पहुंची। यहां भी राहुल ने एक छोटी सभा की, उसके बाद यात्रा ग्रामीण इलाके सोराव चली गई। रात में मऊ आईमा में राहुल गांधी रात बिताएंगे, उसके बाद वो यात्रा लेकर प्रतापगढ़ जाएंगे।